आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष अनीता कोलारे आज पुनासा ब्लॉक में भारतीय मजदूर संघ के निर्देशानुसार सहयोग राशि एवं सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें एक नई समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष सोनाली श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष प्रमिला चौहान, कोषाध्यक्ष आरती सिसोदिया, सचिव संगीता विश्वकर्मा को बनाया गया और इनकी मुख्य मांगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाए एवं परमानेंट किया जाए, साथ में पेंशन ग्रेजुविटी एवं हेल्थ को शामिल किया जाए। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आपका नाम और पद? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ अनीता कोलारे खंडवा से हूँ और आज मैं ब्लॉक की समिति की बैठक लेने आई थी, जिसके भारतीय मजदूर संघ के निर्देश के अनुसार मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सहयोग राशि का ऊपर से आदेश मिला है। इसी उपलक्ष्य में मैंने आज सभी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को इकट्ठा करके संघ के प्रति जो सहयोग राशि की जमा की जा रही है प्रदेश स्तर पर, उसी के बारे में चर्चा की और इन यहाँ की जो ब्लॉक की समिति थी पुरानी समिति को भंग करते हुए मैं नई समिति का गठन करने आई हूँ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सोनाली श्रीवास को खड़ा करी हूँ और सचिव में संगीता विश्वकर्मा को ली हूँ और कोषाध्यक्ष में नेहा व्यास को ली हूँ मैंने जी। और सरकार से कुछ मांगे हैं क्या? सरकार से हमारी परमानेंट की मांगे लगातार चल रही है और इसमें मतलब शासकीय कर्मचारी घोषित करने का प्रावधान रखा गया है और जो पेंशन ग्रेजुटी जो भी है हॉस्पिटल के पूरा है मतलब सुविधा वो सभी हम लोग को दी जाए। इसी उपलक्ष्य में बार बार मतलब आंदोलन भोपाल स्तर पे चल रहा हमारा। 7 मार्च को हम आंदोलन में गए थे, उसके बाद फिर 22 को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत में भी मतलब राष्ट्र के पदाधिकारियों ने यही मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि कम से कम हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को परमानेंट करके उनका मानदेय में वृद्धि की जाए और उनके सम्मान और उनके सम्मानजनक कार्य को देखते हुए उनका मानदेय का दुगना किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।